दोस्तों आज से 10 साल पहले मैंने पहली बार कस्टम रोम्स को फ्लैश किया था और उस जमाने में कस्टम रोम्स को फ्लैश करना बहुत ही आसान था, यानी कि मेरे को मोबाइल फोन को रूट करने के लिए भी पीसी की जरूरत नहीं पड़ती थी और कोई भी कस्टम रोम आसानी से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता था। और उस समय कस्टम रोम का मजा भी काफी अलग होता था, आपको साइनोजन ओएस देखने को मिलता था, पैरानॉइड एंड्रॉइड थी और भी ढेर सारी कस्टम रोम थी जिसकी कोई लिमिट भी नहीं थी। यहाँ तक कि पहली बार MIUI को भी कस्टम रोम में ट्राई किया मैंने, फन टच ओएस हो गया, कलर ओएस हो गया, पहली बार एंजॉय किया था कि आखिर गूगल का जो प्योर स्टॉक एंड्रॉइड होता है वो क्या होता है। यानी कि वो जमाना अलग था जिस जमाने में आप आसानी से कस्टम रोम डाउनलोड कर सकते थे और आसानी से अपने मोबाइल फोन को एक अपग्रेड यहाँ पर दे सकते थे। लेकिन आज के समय में कहानी काफी बदल गई है, साइनोजन ओएस यहाँ पे बंद होके अब यहाँ पे लिनिएज ओएस के नाम से देखने को मिलता है, काफी सारी कस्टम रोम्स का डेवलपमेंट काफी कम हो गया है और मोबाइल फोन तो ऐसे बहुत ही कम है जिसके अंदर आप कस्टम रोम्स को यहाँ पे यूज कर सकते हो। और कंपनीज भी ऐसा काम करती हैं आज के समय में कि लोग यहाँ पे कस्टम रोम या फ्लैशिंग वगैरह अपने मोबाइल फोन के साथ कर ही ना पाए। मतलब आखिर कैसा क्या हो गया कि यहाँ पे एकदम से राइज आ रहा था, फिर एकदम से यहाँ पे फॉल आ गया कस्टम रोम्स के अंदर, इस बारे में यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करना चाहूंगा आखिर कस्टम रोम्स की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि एक जमाना ऐसा था जब एंड्रॉइड फोन बहुत ज्यादा नए थे और मोबाइल फोन्स के अंदर फीचर्स भी बहुत ज्यादा लिमिटेड थे। यहां तक कि मुझे याद है कि एक टाइम ऐसा आता था मोबाइल फोन में जब यहाँ पे अपडेट का जो ऑप्शन होता है ना वही नहीं आता था। मतलब आज के समय में हम बात करते हैं कि कंपनी हमें अपडेट प्रोवाइड करे, लेकिन उस जमाने में अपडेट का बटन तक कंपनी नहीं देती थी। यहाँ तक कि अपडेट का बटन भी दे दिया तो अपडेट भी आप भूल जाओ, कभी आपको देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड वर्जन अपडेट के नाम की कोई चीज हुआ ही नहीं करती थी और फीचर सेट भी बहुत ज्यादा लिमिटेड हुआ करता था। और उस जमाने में कंपनी वाले बस एंड्रॉइड की रूटिंग और फ्लैशिंग से सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड से यहाँ तक थे कि अगर आप रूट फ्लैश ऐसा कुछ भी करोगे तो बस हम उसमें वारंटी वगैरह नहीं देंगे, बाकी आपको जो करना कर सकते हो, चीजें बहुत ज्यादा आसान थी कर पाना। उसके बाद ऐसा हुआ कि एंड्रॉइड ओएस के अंदर मैच्योरिटी आने लगी, जो कोर AOSP होती है वो ही धीरे धीरे इतना मैच्योर हो, उसके अंदर इतने ज्यादा फीचर सेट्स आने लगे कि उसके बाद धीरे धीरे एंड्रॉइड कस्टम रोम्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम होने लगी। और सबसे बड़ा खेल तो जब आया, जितने भी OEMs थे उन्होंने अपने UI को अब इस लेवल पे बना दिया है, पिछले 5 सालों में अगर कंपेयर करो तो काफी ज्यादा परफेक्ट है, फीचर्स जबरदस्त है, बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं और काफी सारी ऐसी चीजें कर सकता है जिसके लिए पहले आपको एक कस्टम रोम की रिक्वायरमेंट थी। यहां तक कि आपको ये बता सकता हूं काफी सारे कस्टम रोम्स के फीचर उठ के आप रेगुलर किसी भी रोम के अंदर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मतलब OneUI बहुत ज्यादा फीचर रिच है, इसके साथ ही Xiaomi ने अपने MIUI को भी फीचर रिच बनाया, अब उसे डिच करके ये लोग अपने हाइपर ओएस पे आ रहे हैं। कलर ओएस को हम कितना भी क्रिटिसाइज कर ले OnePlus के फोन्स के अंदर कि ऑक्सीजन ओएस अब वो रहा नहीं, लेकिन ये बात से हम डिनाई नहीं कर सकते कि अभी जो ऑक्सीजन ओएस आता है जो कलर ओएस पे बेस्ड है उसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको प्लेन सिंपल लुकिंग UI चाहिए यहाँ पे पिक्सल है। और फन टच ओएस की बात करें तो 5 साल पहले जो फन टच ओएस था ना वो बिल्कुल iOS का कॉपी था, आज के समय में फन टच ओएस लिटरली काफी बेटर हो चुका और काफी अच्छी रोम बन चुका है। मतलब जितने भी OEMs थे उन्होंने अपनी स्किन को ही इस लेवल पर ले आए कि अब लोगों को जरूरत ही नहीं पड़े। अगली प्रॉब्लम यहाँ पे कस्टम रोम्स के साथ यहाँ पर ये आई कि कई सारी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने शुरुआत में सपोर्ट किया था जहाँ पे हम कस्टम रोम डेवलपमेंट को सपोर्ट करेंगे, एंड्रॉइड ओपन सोर्स है, हम अपने कर्नल सोर्सेस को लाइव करेंगे, जिस कारण से कस्टम रोम की कम्युनिटी किसी भी फोन के लिए यहाँ पे एक कस्टम रोम डेवलप कर सकती थी। ये चीज कर पाना आज के समय बहुत मुश्किल है। एक तो कंपनीज जो है वो मोबाइल फोन के अंदर पहली बार तो बूट लोडर लॉक करके देती है, कर्नल सोर्सेज को रिलीज नहीं करती, ऊपर से बूट लोडर अनलॉक करने के लिए भी काफी सारे फोन तो ऑप्शंस देते भी नहीं है, और कुछ ऐसे फोन से Xiaomi वगैरह के तो वहां पे बूट लोडर को अनलॉक करना काफी डिफिकल्ट है। इसी के साथ ही कई सारी रिस्ट्रिक्शंस डाल दी कि आप बूट लोडर को अनलॉक करोगे तो आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे। Xiaomi ने कह दिया अगर आपका बूट लोडर अनलॉक होगा तो आपको हाइपर ओएस का अपडेट नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको दोबारा से लॉक करना पड़ेगा, ये सब ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे डाल दी। और काफी सारे सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें भी थी, जैसे सैमसंग के अंदर बात करें तो पूरा नॉक सिक्योरिटी वगैरह ले आया कि फोन के सॉफ्टवेयर के साथ कोई भी टैम्परिंग वगैरह करने की कोशिश करेगा तो वो सारी चीजें यहाँ पे काम हो जाएंगी। इस टाइप की सारी चीजें इंप्लीमेंट की गई और काफी सारे सिक्योरिटी वाले रीजंस थे यहाँ पे कि अगर मोबाइल फोन में कस्टम रोम है और अगर वो कोई गलत हाथों में पड़ गया पूरा फ्लैश करके एक और कस्टम रोम डाल के
को यहाँ पे यूज कर सकता है। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो मैंने कस्टम रोम के अंदर देखा कि आज के समय में जो डेवलपर कम्युनिटी वो भी उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है जैसे आज से 5 से 10 साल पहले थी। काफी सारे डेवलपर्स यहाँ पे कस्टम रोम डेवलप किया करते थे, XDA के फोरम पे लोग जा जाके मदद करते थे, वो चीज अब बहुत ज्यादा यहाँ पे कम हो गई है और काफी लोग भी कस्टम रोम से काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। एक रीजन तो यही हो सकता है कि आज के समय में एक किसी पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के बाद अगर आप मोबाइल फोन लोगे तो एक बात तो पता है कि उसके अंदर अपडेट भी आएंगे, सॉफ्टवेयर के नया वर्जन भी मिलेगा, नए फीचर्स मिलेंगे और लंबे समय तक आप उसका यूज कर सकते हो। हार्डवेयर वाइज सॉफ्टवेयर वाइज बहुत मैच्योर है और जहाँ पे लिटरली कस्टम रोम की जरूरत पड़ती है ना वो होता है बजट फोन, जहाँ पे बजट या लोअर मिड रेंज कैटेगरी के फोन होते हैं जहाँ पे जबरदस्ती ब्लोटवेयर ज्यादा है, OS इतना रिफाइंड नहीं, अपडेट कम आते हैं, वहाँ पे जो यूजर्स है वो कस्टम रोम्स को फ्लैश करके अपने मोबाइल फोन की लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमें मार्केट में दिख रहा है कि धीरे धीरे जो लोग होते हैं वो अपर मिड रेंज कैटेगरी के ऊपर मूव कर रहे हैं और बजट और मिड रेंज धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा है, तो इस टाइप की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई और ज्यादातर जो टैक्स सेवी लोग थे ना वो भी अपना बजट यहाँ पे इंक्रीज करके काफी अच्छे फोन के ऊपर मूव कर चुके हैं। और एक बात यहाँ पे ये भी ऐड कर सकता हूँ, काफी सारे लोगों के लिए स्टेबिलिटी यहाँ पे फीचर से ज्यादा जरूरी हो चुकी है आज के समय में, क्योंकि कस्टम रोम में आपको भले ही ढेर सारी चीजें मिल जाए लेकिन स्टेबिलिटी वगैरह जो रहती है ना कई बार आपको स्टॉक रोम में मिलती है। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि स्टॉक रोम के अंदर आपका कोई अपडेट आएगा तो अपडेट आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन अगर कस्टम रोम डाल रखी है कोई अपडेट आया उसे यहाँ पर मैंने डर्टी फ्लैश कर दिया इधर, उसका रिजल्ट पता क्या होगा कि कई बार केसेस ऐसे होते हैं कि यहाँ पे फोन बूट लूप में फंस जाता है और फिर से की इंस्टॉल करना पड़ता है। यहाँ तक कि लोग आज के समय में चैट्स रखते, फोटोज रखते हैं और डेटा मोबाइल फोन में पहले से ज्यादा कैरी करते हैं और कभी भी मोबाइल फोन के अंदर कुछ भी हो गया तो वो एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। ये एक सिंपल सा फैक्ट है जिससे एक और बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है यहाँ पे। और एक बात यहाँ पर मैंने देखी कि कस्टम रोम के लिए अब लोग यहाँ पे मोबाइल फोन बहुत ही कम लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ गिने ही चुने फोन्स ऐसे जहाँ पे कस्टम रोम का एग्जैक्टली में अच्छा सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था नथिंग फोन के साथ, उसके अंदर कस्टम रोम का अच्छा सपोर्ट है लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि उसके अंदर कस्टम रोम फ्लैश करना अब उतना आसान यहाँ पे नहीं रहा है, थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आई थी। इवन मैंने खुद ने जब नथिंग फोन 1 के अंदर कस्टम रोम से जब मैं स्टॉक रोम के ऊपर गया था तो मेरा खुद का डिवाइस सॉफ्ट ब्रेक हो गया था। इस टाइप के रिस्क यहाँ पर मेजर रहते हैं लेकिन इस टाइप की चीजें अगर आप एक्सपर्ट हो, इसके बारे में पता है आपको, तो चीजें सॉल्व कर सकते हो। तो यार ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था यहाँ पे। ओवरऑल बात की जाए तो कस्टम रोम आज के समय में जहां तक मैंने देखा है सिर्फ दो ही ऐसी कंपनीज है जिनके अंदर कस्टम रोम का लिटरली अच्छा सपोर्ट है, एक है नथिंग और एक है पिक्सल फोन्स। लेकिन पिक्सल के अंदर ज्यादातर लोग स्टॉक एंड्रॉइड ही पसंद करते हैं, बीटा डालना पसंद करते हैं और अपडेट्स उसके अंदर जल्दी आते हैं। नथिंग जैसी कंपनी भी अपडेट और सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रही है, बाकी जितनी भी कंपनीज है कहीं ना कहीं उन्होंने कस्टम रोम का एडवांटेज लिया था मार्केट में पॉपुलर होने के लिए, चाहे हम शाओमी की बात करें, वन प्लस की बात करें, लेकिन आज के समय इन कंपनीज ने कस्टम रोम से पीछे हट गई है। यार कस्टम रोम्स मुझे काफी ज्यादा पसंद है, मैं चाहता हूँ कि कस्टम रोम्स भी दोबारा से हैं, उनको फ्लैश करना भी आसान रहे और मार्केट में ना एंथुसिएस्ट वाली कम्युनिटी थोड़ी कम हो गई है लेकिन खत्म नहीं हुई है। लेकिन फिर भी यार देख के लग रहा है कि एक जमाने में जिस तरीके से कस्टम रोम्स पॉपुलर थी आज के समय में उतनी पॉपुलर रही नहीं है। हमने CyanogenMod के साथ क्या हुआ वो देखा, अब देखना है कि मार्केट में आगे चल के कितनी कस्टम रोम्स यहाँ पे रहती है और आगे फ्यूचर क्या होता है कस्टम रोम्स का। अगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन पसंद आई है सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाना। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए, मैं आप चलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।